हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें कंजर्व करना है। इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है, जानेंगे बहुत अच्छे से। देखेंगे क्या क्या चीजें, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं करने से क्या होगा। सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम भी ध्यान देंगे। उसके बाद हम सारे एक्टिविटीज को और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, सैम क्लासेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पिछले क्लास 7th में, पहेली और बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। तो पिछले क्लास में जिन बच्चों को याद है, क्लास 7th में क्या हुआ था, पहेली और बूझो वो लोग फॉरेस्ट गए एंड प्रोफेसर अहमद और टीबू उनके साथ थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। अब पहेली और बूझो जो है वो बहुत ही ज्यादा ईगर थे, उत्सुक थे कि अपने एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने वहां देखा, महसूस किया, उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, बताएं। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेर ऑल्सो ईगर टू शेयर देर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। कुछ ऐसे भी बच्चे थे वो भी बहुत ज्यादा ईगर थे अपने पूरे एक्सपीरियंस को बताने के लिए, क्या उन्होंने देखा, क्या समझा, क्या सीखा, ठीक है, क्योंकि वो भरतपुर सेंचुरी घूम के आए थे। सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरी, ग्रेट निकोबार रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में सुन चुके थे और उसके बारे में सुन के आए थे, ठीक है। तो बच्चों में क्या है, उत्सुकता बहुत रहती है, जानने की इच्छा रहती है। और जब बच्चे कुछ जानते तो सबसे पहले क्या करते, दोस्तों को बताते, भैया मैं तो देख के आया था, ऐसे ऐसे चीजें थी वहां पे, तो कुछ देखने गया था। और फिर जब दूसरा बच्चा देखता, ओ ये तो इतना इतना जगह घूम के आए, इतनी चीजें देख के आए, तो क्या होता है, दिल में एक चाहत जगती कि हमें भी जाना है, ठीक है। तो जानने के लिए देखते हैं आगे क्या क्या है। अब डरना नहीं है बच्चों कि सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक के बाद एक सिस्टमैटिक आते जाएगा, टेंशन नहीं लेना। भाई आया है बता के जरूर जाएगा। नेक्स्ट देखो, वॉट इज द पर्पज ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके लिए घबराना नहीं है, जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है, मगर ब्रेक के बिना बाद, ब्रेक के बाद नहीं, इसी वीडियो में जवाब जरूर मिलेगा विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ, देखते आखिर हमारा पर्पज जो है ये नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का आखिर मेन पर्पस क्या है, एम क्या है, क्यों हम करें, ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इसको जानने के लिए हम बने रहेंगे वीडियो के साथ, देखते चलते। सबसे पहला चीज जो आता है हमारे पास 7.1 में, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अब बच्चे पूछते भैया डिफॉरेस्टेशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है डिफॉरेस्टेशन। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड। और हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे वेलबींग के लिए इनका रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। अब सबसे बड़ा खतरा जो है यहाँ पे, खतरे का सिग्नल, करेक्ट, सबसे बड़ा खतरा जो है रेड सिग्नल यहाँ पे जो हमारे पास है वो किस चीज का है, इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में सबसे बड़ा खतरा क्या है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या है, देखो ध्यान से समझो, ये जो रेड लाइन्स है ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको आप नोट्स बनाने में ध्यान से लिखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। अब हमने क्या बताया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है भैया, अरे भैया डिफॉरेस्टेशन कुछ नहीं, आप एक जंगल को काट दो, ठीक है, और फिर उसको क्या करो, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लो।
अब ये कौन से पर्पस है जिनके लिए मैं यूज कर रहा हूँ? जंगल को तो हमने काट दिया, फिर पर्पस क्या है? आओ देखते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। किन किन पर्पसेस के लिए हम ट्रीज को कट कर देते? सबसे पहला प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, लैंड कल्टिवेशन के लिए। अब मान लो मेरे पास लेट्स से इतना ज्यादा जमीन है, ठीक है, मेरे पास कुछ 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, या 100 हेक्टेयर जमीन है। अब मुझे एक्सपैंड करना है, और ज्यादा मुझे फूड का नीड है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? एक फॉरेस्ट को क्लियर करूंगा, वहां पे भी स्टार्ट कर दूंगा फार्मिंग, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि हम फॉरेस्ट को क्यों कट कर देते हैं। दूसरा रीजन पे देखते हैं, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। अब क्या है? हमारी पॉपुलेशन जो भाग रही है ना बच्चों, वो बहुत दर्दनाक तरह से भाग रही है। तो जब पॉपुलेशन भाग रही है तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा घर बनेंगे, मोर एंड मोर हाउसेस हमें बनाना होगा। जब हाउसेस बनाएंगे तो लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी कहां से लाएंगे? जंगल काटना होगा, तो ठीक है, ये एक पॉइंट। अब ठीक है, चलो लकड़ी काटने के लिए कहीं और से भी ले लिए, जंगल से ले लिए, ठीक है, बट बनाएंगे कहाँ? हमारा जो एरिया अंडर लैंड है वो भी तो घट रहा है, तो हमें क्या करना होगा? फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा। थर्ड, हमें फर्नीचर बनाना, वुड यूज करना एज अ फ्यूल। सब में लकड़ी कहां से आएगी बच्चों? इन पेड़ों को काट के हम लकड़ी लाएंगे, फॉरेस्ट को काट के हम लकड़ी लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? डिफॉरेस्टेशन होता है डी मतलब नो की तरफ, नो फॉरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को खत्म कर देना, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काट डालना, ठीक है, एंड यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस। एंड व्हाट आर द अदर पर्पस? फर्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए आ सकता है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री बनाने के लिए हो सकता है, घर बनाने के लिए हो सकता है। मेकिंग फर्नीचर्स, या वुड को हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए? फ्यूल के लिए, जलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कारण जब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बच्चों। तो सबको डेफिनेशन समझ आ गया? जिनको भी किसी भी तरह का डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप इसी तरह से मेहनत करके पढ़ते रहो, हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम पहले चीज ये समझ गए कि डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ध्यान से देख लो। आप बुक लेके बैठ सकते हो, और साथ ही साथ मेरे साथ अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, तो आपको डायरेक्ट यहीं से आंसर भी मिल गया, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, एंड किस कारण से हम इसे कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये हम देख लिए। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर एंड सीवेज ड्रॉट। अब क्या हुआ बच्चों कि अचानक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो क्या हुआ? पूरा का पूरा जंगल क्या हो गया? जल के खत्म हो गया। तो आग लगती कैसे भैया? देखो, आग लगने का कुछ ज्यादा बहुत बहुत तरह की आग लग सकती है। कुछ इंसान कैंपिंग कर रहे थे, थोड़ा सा आलसीपन दिखाया, और जब वो लाइटर या माचिस जला रहे थे, आग जो जला रहे थे रात को, उसको उन्होंने क्या किया? पुट आउट नहीं किया, फायर को खत्म नहीं किया। तो क्या वो जो आग थी वो धीरे से किसी पत्ते में, सूखे पत्ते या सूखे टहनी में लग गई, पूरा का पूरा एक गांठ जलने लगा, उससे हवा से आग और पूरा का पूरा पूरे जंगल में फैल गई। ये एक कारण हो सकता है। क्या वो इतना ज्यादा सूखा आया कि कोई बारिश नहीं हुई, नो रेन, ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या? सारे के सारे पेड़ पौधे अपने आप ही मर गए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो नेचुरल है, ठीक है, जिनको हम नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे जो मैनमेड है, जैसे हमने पेड़ को काट दिया, ठीक है, तो ये सारे मैनमेड हो गए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एड मोर कॉजेस, जो पहली एक्टिविटी हमारे पास है, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इन टू नेचुरल एंड मैनमेड। तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं बच्चों। देखो, आपके लिए बना के रखा हमने कि कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या है। एक नेचुरल में हमारे पास हो गया फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स, ठीक है, हरिकेन्स, ऐसा नेचुरल कैलमिटी जो फॉरेस्ट को खत्म कर दे, सुनामीज एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, मैनमेड में क्या? हमारे एक्टिविटीज, ठीक है, जो फॉरेस्ट को खत्म करने में
यूज हो रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट को काट दिया, या टू सपोर्ट द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, व्हाट वी डू, वुड बेस्ड लकड़ी के बेस पे जो इंडस्ट्रीज चलती है, ठीक है, जैसे पेपर हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब में हमें रॉ मटेरियल्स क्या है बच्चों, वुड है। तो अब हमारा वुड का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो जो अवेलेबल एरिया उससे नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट से कट करके ले लेंगे, तो उसके चलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। माइनिंग जब हम करते हैं, चाहे ऑयल का करें चाहे कोल का, तो माइनिंग करने के प्रोसेस में भी हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। तो कुछ मैनमेड कारण, कुछ नेचुरल कारण। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज कंसिक्वेंसेस, नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ना अब डिफॉरेस्टेशन तो हम सब, हमें समझ आ गया भैया, पेड़ काट देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और कुछ और पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या क्या पर्पस है हम वो भी जान ली। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमने जब डिफॉरेस्टेशन किया तो उससे हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, चलो देखते हैं। सो पहली एंड बूझो, रिकॉल द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पहली और बूझो, रिकॉल कर रहे, सोच रहे आखिर ऐसा कौन से कंसिक्वेंसेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं। द रिमेम्बर्ड डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। देखो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन जैसे हमने कर दिया, पेड़ को काट दिया, वी हैव कट डाउन द ट्रीज, पेड़ को हमने कट कर दिया, ट्रीज को हमने कट कर दिया। अब ट्रीज कट हो गए तो CO2 जो ट्रीज लेके फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या करते थे, CO2 हमसे ले लेते थे और ऑक्सीजन हमें दे देते थे। तो अब जैसे ही वो CO2 लेना बंद कर दी, क्योंकि पेड़ तो है नहीं, तो क्या होगा भैया, वातावरण में, भैया एटमोसफेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे ही CO2 बढ़ गया क्या होगा, हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो हीट अप होती जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा, और जो पोल्यूशन का लेवल था जो ये फॉरेस्ट चेक कर रही थी पोल्यूशन लेवल को, वो भी बढ़ जाएगा। तो दैट इज वन पॉइंट। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं बच्चों, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एकदम करेक्ट पॉइंट, इससे मिलता जुलता हुआ पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो का जो लेवल है वो भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। अब बहुत बच्चे सोचेंगे भैया ग्राउंड वाटर क्या है, भैया देखिए ग्राउंड है, अब जब पानी बारिश हुई तो ये पानी जो है क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करके मतलब अंदर चला जाता है। अब ये जब पानी अंदर जाता है तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अब क्या है, जब हमने ट्रीज को ही कट कर दिया तो बारिश उतनी होगी नहीं, अब जब ज्यादा बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होंगे, तो यहां पे भी एक झमेला है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर। देखो फॉरेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर, ठीक है। नेचर का जो बैलेंस है ये फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं, अगर हम इन्हें हटा दें तो इम्बैलेंस होगा, डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट है, दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अब इनके प्रोफेसर अहमद सर ने हमें क्या बताया कि अगर हम इसी रेट से ट्रीज को कट करते रहे तो क्या होगा, हमारा जो रेनफॉल है, बारिश है, वो पूरा का पूरा डिक्रीज कर जाएगा, और जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों कितना ज्यादा हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो थर्ड पॉइंट ये वाला हो गया, फोर्थ पॉइंट ये इम्बैलेंस वाला हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो अगर आप इस तरह से याद कर लो, पहला पॉइंट क्या था भैया, बहुत सिंपल था कि डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा दे रहा है। सेकेंड में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया, चलो ठीक है। थर्ड में इसने क्या किया, ग्राउंड वाटर को कम कर दिया। फोर्थ में क्या किया, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया नेचर में। फिफ्थ में क्या हो गया कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अगर बहुत ज्यादा चलती रहे तो क्या होगा, रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल घट जाएगी। तो देखो कितने सारे कंसिक्वेंसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ एक छोटा सा सवाल लेते हैं यहाँ पे, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर। अब जिन बच्चों को वाटर साइकिल पता है, आगे हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल में क्या होता है, तो वाटर साइकिल जिनको पता है उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है दे
प्ले अ वेरी वाइटल रोल. ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, ठीक है, किसमें, रेनफॉल में. अगर ये नहीं हो तो क्या होगा बच्चों, ये जो रेनफॉल है ये घट जाएगा, और जब ये घट जाएगा तो दिक्कतें आएंगी. अब जब रेनफॉल घट गया तो दिक्कतें आई, अब हमने क्या किया, अब बोले भैया आप तो ये बता दिए रेनफॉल घट गया तो फिर फ्लड कहां से आ गया, ये तो उल्टी बात हो गई. नहीं नहीं भैया, उल्टी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. देखिए हमारे जो पेड़ वाले भैया है ना, ये जो पेड़ वाले भैया, इनकी जो रूट्स होती है, ठीक है, ये ग्राउंड के अपर सॉइल को पकड़ के रखती है. तो जब बारिश होगी तेज ना, तो अगर ये पेड़ को हमने कट कर दिया तो क्या होगा, ये बारिश का पानी जो है ना, ये सारे ऊपर वाले सॉइल को उठा के लेके चल जाएगा. और क्या होगा कि ये बारिश का पानी जो है वो तेज होते जाएगा और ये फ्लड्स कॉज कर देगा, ठीक है. पेड़ क्या, ट्रीज क्या करते, वो वाटर के फ्लो को चेक कर देते, रोक देते स्पीड को, तो फ्लड्स आने का चांसेस कम हो जाता है. अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो पेड़ ही नहीं, तो कोई चेक करने वाला, कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है. चलो नेक्स्ट में देखते हैं. मोरओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. जस्ट अभी हमने बात किया कि इफ वी डोंट हैव द ट्रीज, अगर हमारे पास ट्रीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी. अगर रेनफॉल ही घट गया तो सूखा पड़ना ही है, ठीक है. और अगर बारिश हुई तो बारिश को रोक के रिचार्ज करने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि ट्रीज होंगे नहीं, तो क्या होगा, बारिश का पानी ऊपर ही ऊपर चला जाएगा. तो जिससे क्या होगा कि हमारा ग्राउंड टेबल भी खराब हो जाएगा और फ्लड्स भी आने के चांसेस हो जाएंगे. तो देखो कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है. रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, अब हमें पता है बच्चों कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फिर क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं. कितने अच्छा काम है, ठीक है. हमसे एक खराब चीज लिया, उसको एक अच्छे काम में लगाया और हमें एक अच्छा चीज दे दिया, ठीक है. तो चलो एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है, पेड़ में एक ही पत्ते बनाते हैं. डायग्राम थोड़ा खराब है बच्चों, ठीक है. तो एक पत्ते वाला ये पेड़ है हमारा, ठीक है. तो ये एक पत्ते वाले पेड़ को दो पत्ता कर देते हैं, ठीक है. तो ये दो पत्ते वाला पेड़ है, अब ये क्या कर रहा है, ये CO2 ले ले रहा है. क्या कर रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया, ठीक है. अब जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसने खाना बनाना शुरू किया, ठीक है, फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के से, और फिर ये हमें क्या दिया बैक, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है CO2 की जो का जो लेवल है एटमोसफेयर में, उसको घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है CO2 का लेवल को, ठीक है. चलो, सो फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस CO2 विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड, सो रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोसफेयर. अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये पेड़ हमने काट कर दिए, तो जैसे ही हमने ट्रीज को कट कर दिया, तो हमारे ये जो ट्रीज थे, जो हमारे रक्षक थे, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, वो अब होंगे नहीं. तो अब हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गए, क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे सन की हीट को, रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है. और इससे हमारा क्या होगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट. अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, पहले इस थोड़े से ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं. तो पहले एक छोटा सा अच्छा सा हमारा हरे रंग की धरती को बना लेते हैं, तो हमारी ये धरती माता हो गई अर्थ. अब आते अर्थ के पास हमारे सन वाले भैया भी है, तो सन वाले लाल भैया भाई यूवी रेज डाल रहे, उनको बना लिया. अब देखो उसके बाहर हमारे पास एक एटमोस्फेयर का लेयर है, ये हमारा है एटमोस्फेयर, ठीक है. अब क्या हो रहा, सन की तरफ से ये यूवी रेज या सनलाइट जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है. कुछ तो सनलाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है वापस, कुछ सनलाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और कुछ क्या हो रहा, अर्थ एब्जॉर्ब भी कर ले रहा, कुछ को क्या हो रहा, अर्थ एब्जॉर्ब कर ले रहा. अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, ये इसको वापस अर्थ जो है हीट के फॉर्म में रेडिएट करती है. अर्थ क्या है, हीट के फॉर्म में जो एब्जॉर्ब है उसको रेडिएट कर देती है. बट चूंकि बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, तो वो क्या करता है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता. तो इससे क्या हो जाती है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो बढ़ जाता है.
क्यों? क्योंकि ये हीट बाहर नहीं निकल पा रही, अगर बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, ये वापस अंदर हीट बढ़ गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तो ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसा हमारे साथ होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट, हीट को पकड़ के रख लेता है, कौन से वाले हीट को, जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे तरफ, ठीक है। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। अब जब बारिश कम हो जाएगी बच्चों तो सूखा पड़ना जरूरी है, क्योंकि देखो जो ट्रीज होते हैं ना, दे प्ले अ वाइटर रोल इन व्हाट, एवोपोरेशन। एक ये हमारे सी से वाटर एवोपोरेट करता, और पेड़ की जो पत्तियां है ना, इनपे भी जो हमारे जो क्या बोलते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, ये भी एवोपोरेट अच्छा करते, ठीक है। तो रे जो हमारी ट्रीज है वो बहुत ज्यादा रेन को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो ये रेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो रेनफॉल हमारा घट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब डिफॉरेस्टेशन से एक और क्या गलती, दिक्कत क्या आती है, ठीक है। अभी तक हम लोग लगभग 8 पॉइंट्स तक कर चुके हैं, नाइन्थ वाला पॉइंट हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन से हमें हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब मिट्टी की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है भैया, जरा देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, छोटे छोटे जो ये प्लांट्स होते हैं जो हम जिनको जमीन में लगा के रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, टॉप सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, उसको बाइंड करके रखते हैं। जब से यही कट गए, ठीक है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है, जो फर्टाइल होता है, वो सॉइल चली गई, ठीक है। अब बारिश हुई तो वो पानी, वो सॉइल जो हमारे टॉप लेयर की जो सॉइल है वो खराब हो गई। तो अब जब खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब ट्रीज कैसे सॉइल इरोशन प्रिवेंट करते थे, अभी जस्ट बताया बच्चों कि ये जो ट्रीज हमारे थे, इनकी जो रूट्स है, ये टॉप सॉइल को पकड़ के रखती है कि भैया हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है, तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारे साथी हैं, ठीक है, बारिश आने दो, मिलके लड़ेंगे, ठीक है, घबराने की क्या बात है, ठीक है। और कहते हैं ना, एक से भला दूजा, ठीक है, तो दो मिलके लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। तो बारिश आई, बारिश वाले भैया हमारे बहुत कोशिश किए कि टॉप सॉइल को छीन के लेके चले जाए, मगर पेड़ वाले भैया बोले, भैया हम तो साथ रहेंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को बचा लिया, तो सॉइल इरोशन नहीं हुआ। तो ट्रीज इस तरह से सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते। अब जब हमने ट्री वाले भैया ही को काट दिया तो सॉइल इरोशन कौन बचाएगा बताओ। सो फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब जब ऊपर की लेयर जो है वो हट गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे का जो लेयर है टॉप सॉइल का वो क्या है, हार्ड एंड रॉकी है। तो दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब ये वाली जो सॉइल है ना वो उतनी फर्टाइल नहीं है, वो उतनी उपजाऊ नहीं है, उसमें हम उतना ज्यादा क्रॉप्स या ये नहीं ग्रो कर सकते। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू डेजर्ट, द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड, क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई पेड़ अब उसमें उग नहीं पाएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी पेड़, क्योंकि सॉइल क्या खराब हो गई, पथरीला सॉइल हो गया, कंकड़ सिर्फ पत्थर बचे, सिर्फ रॉकी है, तो सॉइल अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसमें पेड़ उग नहीं पाएंगे अपने आप से भी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा का पूरा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन, कि धीरे धीरे वो अपने आप डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये सारे कंसिक्वेंसेस ध्यान से समझना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो बताया इन्होंने कि डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, जो सॉइल की कैपेसिटी है जिससे वो पानी वाले भैया को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, उसे भी खत्म कर देती है, उसे भी डिक्रीज कर देती है। अब ये ज्यादा पानी को
होल्ड करके एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाते. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड. अब देखो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा लिख लो. इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ये होता है हाउ फास्ट, कितने जल्दी जो है वाटर एंटर्स द सॉइल, पानी जो है जमीन के अंदर चला जाए, वाटर एंटर्स द सॉइल. तो अब देखो छोटा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. यहाँ पे एक पत्थर रखते हैं. अब पत्थर रखे ठीक है, उस पर पानी डाल दिए, तो क्या ये पत्थर जो है पानी ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे एक मिट्टी का केला है टीला, ठीक है मिट्टी का छोटा सा पैच लाए, ठीक है अब मिट्टी पे ऊपर पानी डाले तो मिट्टी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी जल्दी से. तो जैसे ही टॉप सॉइल हमारा हट जाता है तो जो रॉकी रॉकी पार्ट हो जाता है ठीक है, जिसमें ज्यादा रॉकी लेयर्स होते वो ऊपर हो जाता है ठीक है, तो अब उसमें पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा नहीं, पानी अंदर जा नहीं पाएगा. तो इनफिल्ट्रेशन रेट जो है कि कितने जल्दी पानी सॉइल जो है पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो घट जाएगा बच्चों ठीक है. चलो सो देर आर फ्लड्स, तो इसके चलते क्या होगा, फ्लड्स होंगे ठीक है, क्योंकि पानी अंदर तो जा नहीं पा रहा है, तो क्या होगा पानी वो सॉइल से डुलकते डुलकते और ज्यादा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और फ्लड्स के फॉर्म में आ जाएगा. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन के चलते सॉइल में और क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते थे वो सारे हट गए. अब जो टेक्सचर था प्रॉपर ह्यूमस जो सॉइल ह्यूमस कंटेंट सॉइल जो डार्क कलर का था वो भी खराब हो गया. तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, कंसिक्वेंसेस किस चीज के, डिफॉरेस्टेशन किस चीज के, फॉरेस्ट को कट करके कुछ और काम करने के लिए ठीक है. सो वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, नाउ विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. अब देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या पूछा उन्होंने कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. अब देखो सबसे पहला वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, उससे मेडिसिन मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है. अब अगर हम फॉरेस्ट कट कर दें तो क्या हमें मिलेगा, सीधी सी बात है नहीं मिलेगा ठीक है. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन. अब देखो एनिमल लाइफ, अगर मान लो बच्चों आपको आज एक घर है जिसपे आप रह रहे हो, अचानक से एक तेज हवा चली और घर टूट गया, क्या आपको दिक्कत होगा या नहीं होगा, बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बोलेगा भैया जरूर होगा, कैसे नहीं होगा, हमारा घर चला गया तो कैसे नहीं होगा दिक्कत, हम कैसे रहेंगे, बारिश होगा तो हम भीग जाएंगे, करेक्ट ठीक है. तो अब बच्चे ध्यान से सोचो कि अगर हम एनिमल्स का जिनका घर फॉरेस्ट है अगर उसे बर्बाद कर दे तो क्या ये एनिमल्स को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि उनका घर हमने बर्बाद किया तो ये डेफिनेटली करेगा बच्चों. उनका फूड वहां से आ रहा था वो भी डेफिनेटली डिपेंड करता है उस पर, पूरे के पूरे जंगल से वो सर्वाइव कर रहे थे, तो सारे के सारे एनिमल्स के लिए ये दिक्कत का कारण है ठीक है. लिस्ट ऑल द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और क्या क्या दिक्कत आएंगे हमारे एनिमल वाले भैया को ठीक है. तो जानवरों को और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक तो हमने बताया हैबिटेट का दिक्कत होगा, जिस जगह में वो रह रहे थे जिस तरह से वो रह रहे थे वो नहीं रह पाएंगे. दूसरा उनकी फूड अवेलेबिलिटी में दिक्कत हो जाएगा ठीक है, खाना उन्हें सही से नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो जब इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है तो हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है बच्चों, से बचा के रखना है एंड वाइल्ड लाइफ को भी. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन पहली एंड बूझो आर वरिड. अब जब उन्होंने सुना कि इतने ज्यादा डिफिकल्टीज है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या हो गए दोनों बच्चे बहुत ज्यादा चिंता में आ गए. दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क देम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. जब एक बच्चे को क्या होता है, हम बताते कि देखो ऐसे ऐसे दिक्कतें आने वाली, तो बच्चा क्या बोलता है कि भैया ठीक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही होता है इसे बचाया कैसे जाए. तो चलो देखते हैं कैसे बचाया जा सकता है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीले वाले डब्बे में क्या लिखा हुआ है. तो पीले वाले डब्बे में लिखा हुआ बायोस्फीयर. अब बच्चे बोलेंगे भैया बायोस्फीयर क्या है. बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स द लाइफ.
भैया कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या बताया, पढ़ के आप चले गए। देखिए कह रहे हैं बायोस्फेयर वो पार्ट है धरती का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और विच सपोर्ट्स लाइफ, या तो वो सपोर्ट करता लाइफ को। अब देखिए बायोस्फेयर जो है हमारा ना, ये बायोस्फेयर ये कॉम्बिनेशन है किन किन चीजों का, भैया तीन चीजों का। पहला तो एटमोस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर, तीसरा लिथोस्फेयर। अब बोलोगे भैया ये क्या आपने लिख दिया, भैया पढ़े तो थे बट अभी भूल गए। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, जो बायोस्फेयर है ना वो क्या है, संगम है किन चीजों का, हवा ठीक है, या रखो वायु ठीक है, जल और थल का, मतलब जमीन पानी और एटमॉस्फेयर। अगर ये तीन चीज मिल जाए ठीक है, और वहां पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर पाए, या क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर पा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोस्फेयर कहेंगे ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी। देखो बायोलॉजिकल मतलब क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, जितने ज्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सारे बायोलॉजिकल है, और डायवर्सिटी मतलब क्या है, वैरायटी, अलग अलग प्रकार के ठीक है। सो इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बेसिकली क्या बताता है आपको, वो बताता है कि कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे रह रहे, किस तरह से वो आपस में मिलजुल के रह रहे, कैसे तरह से डिपेंडेंट है, और वो किस तरह से क्या रिलेशन रखे एनवायरमेंट के साथ ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बोझो एंड देयर क्लासमेट्स। अब देखो हमारे ये प्रोफेसर अहमद जो सर है ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बोले सबसे अच्छा सीखने का माध्यम क्या है बच्चों, जाके देख के समझ के सीखना। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बोले चलो चलते हम कहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक सिलेक्ट किया बायोस्फीयर रिजर्व, देखते हैं कौन सा सिलेक्ट किया, ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नियर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को चुना। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। अब उन्हें प्रोफेसर को यह पता था कि ये जो बायोस्फीयर का जो प्लेस है इसमें कौन तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स पाए जाते जो हिमालयन के अपर पीक्स में पाए जाते हैं एंड जो लोअर वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट दी बायोडायवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। अब प्रोफेसर अहमद का कहना है, उनका मानना क्या है कि यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है, कि इस रिजर्व के अंदर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डिफरेंट वेराइटीज पाए जा रहे हैं ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है ठीक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इन साइड द बायोस्फीयर रिजर्व। अब उन्होंने क्या किया, हमारे माधव जी थे तो उनको रिक्वेस्ट किया, भैया जी हमारे बच्चे हैं बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनको ले चलिए, इनको अच्छे से बायोस्फीयर रिजर्व दिखाते, क्योंकि आगे चल के ये हमारे देश को बचाने में काम करेंगे, हमारी युवा पीढ़ी है, तो चलिए इनको बताते हैं क्या जरूरी है हमारे इस युवा पीढ़ी के लिए ठीक है। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो अब ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे इन एरियाज को प्रिजर्व करना, अच्छे से बचा के रखना हमारे लिए एक नेशनल हेरिटेज की बात है हमारे लिए एक नेशनल हेरिटेज की बात है बच्चों। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग। सो अब बता रहे कि हम एज अ पर्सन तो हम लोग मेहनत कर ही रहे इसको अच्छा करने में, हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी जो सरकार है वो भी इसे बचाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। अब क्या क्या है हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पेज में ठीक है। चलो टू, अब पीले वाले डब्बे को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते बच्चों, टू एफेक्ट टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फाउना। अब बच्चे बोलेंगे भैया फ्लोरा और फाउना तो आपने बताया ही नहीं। देखो फ्लोरा मतलब क्या होता है,
फ्लोरा बहुत ज्यादा सिमिलर होता है फ्लो फ्लावर से, करेक्ट? देखो ओरिजिन मिल रहा है, फ्लोरा फ्लोरल, ठीक है? तो ये बेसिकली बताता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहेंगे, उस रीजन का फ्लोरा कहते हैं, उस रीजन के फ्लोरा कहते हैं। फौना क्या हो गया, सेम चीज, बस ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए भैया? एनिमल्स के लिए, खूंखार एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है? प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयर मार्क्ड। अब देखो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना, हर जगह में जो डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनके हैबिटेट, उनके घरों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब ईयर मार्क्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो कुछ करने के लिए बड़ा हमें फंडिंग जरूरत होगी, पैसे लगेंगे, तब जाके हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड फंड्स अलग से प्रोजेक्ट के लिए रख देते हैं, ठीक है? तो ईयर मार्क्ड का मतलब क्या होता है कि वी कीप अ डेडिकेटेड फंड, हम इसके लिए अलग से पैसे बचा के रख लेते हैं। अब जैसे क्या होता है, जैसे पूजा आती है तो क्या करते हैं हम लोग, पूजा मतलब जैसे छुट्टी आती है तो बच्चे हम लोग घूमने जाने का प्लान करते हैं, तो घूमने जाने के लिए क्या करते हैं, अलग से गुल्लक में पैसे बचा के रखते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है इन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से पैसे, फंड्स अलग से बचा के रख देती है, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मना है, प्रोहिबिटेड मतलब मना है। पहला तो आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, दूसरा कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते भैया, भैया ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, आप अपने बकरी ला के, ठीक है, उनको चरा दिए, ठीक है, कि जाओ आप खा, सब खा लो फॉरेस्ट को, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज भी नहीं कर सकते, हंटिंग ना ना मना है, पोचिंग, इलीगल हंटिंग सब मना है, ठीक है? नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे कहते हैं बच्चों एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर, फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, जहां जानवरों को उनके घर में, उनके वातावरण में हम लोग छोड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते बच्चों, ठीक है? वो जैसा चाहे रहे, जैसा चाहे घूमे, नेचुरली वो फ्री है उस एरिया में, ठीक है? नेक्स्ट है नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये वो एरियाज हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए यूज हो जा रहे हैं, जो फ्रीली, जहां पे वो अपने हैबिटेट्स में और नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत ही बड़ा सा लैंड, ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड कर देते कि यहाँ पे इस एरिया में कोई ना आएगा ना डिस्टर्ब करेगा, किस चीज को, वहां के लोगों को, वहां के प्लांट्स को, वहां के एनिमल्स को, ताकि ये लोग जैसे रह रहे, जैसे अच्छे से रह रहे, कंजर्व हो रहा उस एरिया को, वो उसको हम लोग कंजर्व कर सके, उसको हम लोग उस फॉर्म में मेंटेन कर सके बच्चों, ठीक है? एक फॉरेस्ट को उसके फॉर्म में मेंटेन करना, एक प्लेस को उसके फॉर्म में मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग इंटरफेयर करने लग जाते हैं, ठीक है? इंटरफेयर करते हैं तो थोड़ा पेड़ काट देते, कभी घर बना देते, कभी कुछ और करते, तो हम लोग क्या करते हैं इन एरियाज को मार्क कर देते कि भैया यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये जानवरों के लिए, वहां के पेड़ पौधों के लिए, वहां के ट्राइबल लोगों के लिए, वो जैसे रहना चाहे, जैसे रह रहे वैसा रह सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट, सो द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो भी ये फॉरेस्ट और एनिमल्स का टेक केयर करती है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। अब गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स बना देती है, भैया आप ये गलती करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरा मेथड्स कैसे करके इनको प्रोटेक्ट करना है, पॉलिसीज, ये पॉलिसीज को हमको मानना है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। उस एरिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते, नेशनल पार्क्स बना देते, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना देते, ठीक है?
एक्टिविटी 7.3 देखते बच्चों, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री. रिकॉर्ड इन द टेबल 7.1 शो दैट द एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया. ये वाला सवाल आप सभी के लिए बच्चों होमवर्क रहेगा. आपको करना क्या है, गूगल वाले भैया में जाना है और लिखना है, भैया इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पार्क से, बायोस्फीयर रिजर्व से, उसका पूरा रिकॉर्ड निकालना है. अब रिकॉर्ड में देखना क्या देखना है, भैया हम किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको यहाँ पे लिखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितना है, मेरे स्टेट में कितना है और मेरी कंट्री में कितना है. तो सारे बच्चे करके लाएंगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व. अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है जरा देखते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. अब क्या है, बच्चे, प्रोफेसर भैया हमारे और माधव जी, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व में गए. तो माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व. अब माधव जी क्या बता रहे, वो एक्सप्लेन करके आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या बच्चों, तो चलिए देखते हैं. उन्होंने बोला बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो एरियाज को हम लोग प्रोटेक्टेड में कर देते हैं, जो एरियाज को हम लोग ले लेते हैं फॉर द कंजर्वेशन, उनको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है. एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन दैट एरिया. अभी हम लोग को पहले ही पता पड़ चुके थे हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है. बायो मतलब जितने पेड़ पौधे एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब है, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी. इनको बचाने के लिए, इनको जो एक एरिया में ये पाए जाते हैं उनको क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, ठीक है. द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया. अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस क्या है, काम क्या है, कि वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी मतलब उस जगह के डिफरेंट वैरायटी के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उसको बचाना, अच्छे से रखना, और वहां का जो कल्चर है, वहां के जो लोग है, जो कल्चर है वहां का, उसको सेव करके रखना. अ बायोस्फीयर रिजर्व मे ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी. अब ये क्या बता रहे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, और क्या बोलते हैं, ठीक है. तो हमारे इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बोरी और एक पंचमढ़ी. तो चलिए बच्चों ग्राफ में देखते हैं, इस मैप में देखते हैं. देखिए ये है हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, और ये है हमारा बोरी सेंचुरी, ये है हमारा पंचमढ़ी का सेंचुरी, ठीक है, और ये तवा रिजर्वर है. तो देखिए एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें, हमारे पास एक नेशनल पार्क है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी है, क्या बोलते हैं, और एक हमारे पास नाम दिया गया था ना, बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है. चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है. एक्टिविटी 7.4, एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया. आपके आसपास के एरिया में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो रही है जो आपके बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रही है, तो आप लिख के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भूलना मत. सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अनोइंगली. अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे चीजें हो जाती है जो हम लोग अनोइंगली कर देते हैं, ठीक है. अब नोइंगली हम लोग नहीं कर रहे थे, बट अनोइंगली क्या है, वो हमसे गलतियां हो रही हैं. तो उन सारे फैक्टर्स को भी हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है. लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, हाउ कैन दीज बी चेक्ड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक. तो देखिए जैसे एक चीज, हमारा पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बहुत फास्ट रैपिड एक्सपैंड हो रहा है. सो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, भैया ये क्या बता दिए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. भैया देखिए हमारी जो ह्यूमन बंधु है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, ठीक है. जो उनकी संख्या जो है ना, वो बहुत ही फास्ट बढ़ रही है. अब जब ये बहुत फास्ट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इनको ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा घर बनाएंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज करेंगे, ज्यादा पेपर का काम है. तो उससे क्या हो रहा है,
भैया लोड बढ़ रहा भैया। अब भैया लोग पूछेंगे, भैया लोड बढ़ रहा तो उससे दिक्कत क्या है? भैया पेड़ तो कट करने पड़ेंगे ना, ठीक है? अगर लोड बढ़ रहा है तो हमें फिर फॉरेस्ट क्लियर कट करना होगा। हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी मांगे बढ़ रही है, तो फिर हम चिल्लाएंगे हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है? तो क्या होगा, पेड़ को कट करना पड़ेगा, ट्रीज को। अब जब ट्रीज कट करेंगे तो क्या होगा, फिर डिफोरेस्टेशन की तरफ चले गए, ठीक है? और बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्टर्ब कर देंगे पूरी तरह से। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं कि एक नदी या तालाब है हमारे आसपास, ठीक है, एक नदी जा रही, अब उसमें जाके पूरा गंदा डाल दिए। अब क्या है, वहां के जो जीव जंतु है, जो हमारे क्या बोलते हैं तैरने वाले, पानी में रहने वाले बंधु और मित्र हैं, उन पे असर हो गया, ठीक है? आप उन पे हार्मफुल सब्सटेंस डालते जाओगे तो क्या होगा, उनका पानी जो है, जो साफ पानी था, अब वो धीरे धीरे गंदा होते चला गया, तो उससे क्या होगा, उनका हेल्थ को खराब होगा भैया, वो बीमार पड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे, ठीक है? तो ये हमें जानना है, छोटी छोटी चीजें जो हम छोड़ देते हैं जिससे दूसरे को दिक्कत हो सकती है या बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत हो सकती है, इसे हमें जानना है बच्चों। तो बहुत ही छोटी चीज है मगर जानना जरूरी है, ठीक है? तो ये सारा आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, हम जरूर आपको इस पे बताएंगे कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, इस पे रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एज द चिल्ड्रन वॉक्ड अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। अब जैसे ही वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर घूम रहे, अब देखो यहां से वो मंजर आंख बंद कर लो, ठीक है, आपको क्या दिखेगा कि आप एक बड़े से बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ है, गेट है, जिसमें लिखा हुआ है मान लो बायोस्फीयर रिजर्व, उस गेट के अंदर चल रहे हो, धीरे 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 आपको चारों तरफ हरियाली दिख रही है, हर तरफ गांच ही गांच है और मस्त हवा चल रही, क्या मंजर होगा बच्चों, ठीक है? दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। अब ये बच्चे जो है सारे, ठीक है, बड़े बड़े गांच को देख के क्या हो गए, बहुत ही खुश, क्या गांच है भैया, क्या बड़े बड़े गांच है, ठीक है, लंबे लंबे गांच है, ठीक है, उनको गांच पेड़ को देखने के लिए क्या हो गया, ट्रीज को देखने के लिए सर को ऊपर करके, ठीक है, सर को ऊपर करके देखना पड़ रहा है इन्हें, और फिर एनिमल्स को देख रहे हैं, ठीक है, उनके अपने फॉर्म में, ठीक है, उनके अपने घरों में जहां वो बिंदास घूम रहे, ठीक है, बिना इंसानों से डरे, ठीक है। सडनली क्या होता, अचानक से पहली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, ठीक है, देखो क्या राइमिंग बन गया, रैबिट वांट्स टू कैच इट, तो उससे एक खरगोश दिखा, अब वो पकड़ने चली गई पहले, ठीक है, अब वो पकड़ना चाहती थी, चली नहीं गई, चाहती थी, ठीक है, शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, अब वो दौड़ने लगी उसके पीछे, ठीक है। तो हमारे प्रोफेसर सर ने क्या बोला, ही प्रोफेसर अहमद स्टॉप सर, वो उनको रोकते कि पहले रुक जाओ, ठीक है। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझो, आप घर में बिंदास बैठे हो, कंप्यूटर गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, अचानक कोई आके आपको धर से पकड़ लेता है, कैसा लगेगा आपको, बुरा लगेगा ना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बुरा लगेगा ना? तो वहां बेचारा खरगोश जो है अपने डेली के काम को, कूदने के काम को, दौड़ने भागने के काम को अपना कर रहा था, तो अचानक से आप जाके उन्हें पकड़ लोगे तो खराब है ना, अच्छी बात नहीं है ना, तो डिस्टर्ब किसी को नहीं करना चाहिए, वो कंफर्टेबल है, वो जैसे रह रहे, चैन से रहने दो, आप देखो खुश हो जाओ, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। अब क्या यहां बताया गया कि हमें उनको डिस्टर्ब तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माधव जी बता रहे हमारे कि सम एनिमल्स जो है ना एंड प्लांट्स जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। अब वो बता रहे कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाने वाले हमारे पेड़ पौधे और जो जानवर है उनको क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की फ्लोरा और फौना कहते हैं। तो बच्चों ये समझ आया, फ्लोरा एंड फौना हर एक एरिया की अलग अलग होती है, और हर एक एरिया में क्या हो जाता है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो सॉइल पे भी डिपेंड करता है, वहां के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे उस पर, बट हाँ हम समझ गए कि फ्लोरा एंड फौना
हर एक जगह के लिए अलग अलग होती है, और उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए उनका एक रेस्पेक्टिव फ्लोरा फौना होता है, जो पेड़ पौधे और जो जानवर वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहे हमारे पास क्या क्या है, साल की ट्रीज है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर है, ये सारे क्या है मेरे फ्लोरा है, प्लांट्स। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, ओके, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, फौना हो गए ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी के ये फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, तो बच्चों हमें समझ आ गया फ्लोरा किसे कहते हैं, फौना किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया, लिस्ट देम। आप जिस जगह जहां भी रहते हैं बच्चों, अपने जगह के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, जो जानवर पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और लिख के कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, सुन, द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब हम घने जंगल में पहुंच गए, ठीक है, ध्यान रखना, घने जंगल में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। अब उन्हें एक बहुत बड़ी गिलहरी दिखी। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल, उसकी क्या थी, फ्लफी टेल थी, पूछी थी, ठीक है। दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। अब बच्चे बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते थे आखिर ये चीज क्या है। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जायंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। क्या ये जायंट स्क्विरल है और ये इस एरिया की एंडेमिक है, एंडेमिक स्पीसी है। अब बच्चे बोले भैया ये एंडेमिक स्पीसी वर्ड काहे ला दिए, जरा बताइए एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं। सो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहते हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। समझ आई बात, बहुत अच्छी बात, चलिए आगे देखते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो कहीं और नहीं पाए जाते। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। अब एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट या एनिमल एंडेमिक हो सकता है, या तो स्टेट में, मतलब वो पर्टिकुलर उसी स्टेट में पाया जाएगा, या तो डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर उसी डिस्ट्रिक्ट में ही वो पाए जाएगा, या तो कंट्री में, मतलब इसी कंट्री में ये एनिमल या प्लांट पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसी ऑफ दैट स्टेट या दैट डिस्ट्रिक्ट या दैट कंट्री। मतलब जिस क्षेत्र में वो स्पीसीज प्लांट के या तो एनिमल्स के सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र की एंडेमिक स्पीसी बोल देंगे। ठीक है, चलिए। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी दिखाते कि ये जो साल है और ये जो मैंगो ट्री है, वाइल्ड मैंगो, ये सिर्फ और सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। अब जो है हमारे बाइसन भैया, जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, ये सारे जो है एंडेमिक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में, बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, पंचमढ़ी में। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। अब देखो एक बहुत ही अच्छा सा सवाल बनता है, अगर इन एंडेमिक स्पीसीज को किस किस चीज से खतरा है, कैसे इनको दिक्कत है, तो अगर हम कुछ नया चीज इसमें कर दे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्या करना होगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ जाएगा, तो इनसे इनको दिक्कत है। दूसरा, अगर हम कुछ नई स्पीसीज यहाँ पे ले आए तो क्या करेंगे, जो पुरानी स्पीसीज है जो यहाँ पे रह रही है उनको दिक्कत हो जाएगा। अब घर में हमारे मेहमान जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर रूम था, अब वो हमसे छिन जाता है, वो मेहमानों को दे दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, घर पे कम रहने लगते हैं, मम्मी पापा से कम बात करते, तो उसी तरह से क्या होगा, अब ये जो एंडेमिक स्पीसीज थे, ठीक है, उनके घरों पे आपने क्या किया, नए स्पीसीज को लाकर रख दिया, अब ये नए स्पीसीज तंग कर रहे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एंडेमिक स्पीसीज को दिक्कत होगा। ठीक है, चलो, और इनके एग्जिस्टेंस में, सर्वाइवल में भी दिक्कत हो जाएगा। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। बेसिकली स्पीसीज क्या होता है बच्चों, तो स्पीसीज कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो
रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो फर्दर इसको कंटिन्यू कर सके, तो उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो एक प्रजाति अपने दूसरे प्रजाति के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है और रिप्रोडक्शन करके अपनी ही प्रजाति को और बड़ा कर सकती है एंड नॉट द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीसीज, ठीक है, और किसी दूसरे प्रजाति के साथ वो क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर पा सकती। सो मेंबर ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे जितने भी बंदर है सारे का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलो ठीक है। फाइंड आउट द एंडेमिक स्पीसीज एंड प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेर यू लिव। अब आप जहां रह रहे हो वहां के एंडेमिक स्पीसीज के बारे में हमें जल्दी से बताओ, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सून पहली सीज अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिटन ऑन इट। अब क्या हो, अचानक से पहली की नजर पड़ी किस पे, एक बड़े से बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। अब ये लोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आ गए। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग दैट इज पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। के जितने भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है इनमें जानवरों को पकड़ना या इनको मारना, कैप्चर करना या तो मार देना, दोनों ही स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप ऐसे काम को करते हुए पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट मिल सकती मिलेगी, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है बच्चों। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। अब ये क्या बता रहे कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को एक सुरक्षित वातावरण दे रहे, एक सुरक्षित घर जहां पर कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आके तंग नहीं करेगा, उनकी जान नहीं लेगा, ठीक है। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट People living in the wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. अब जो लोग यहाँ पे रह रहे, ठीक है, इस wildlife reserve को reserve के अंदर, उनको सिर्फ allowed है कि वो जाके अपने भेड़ बकरी को ले जाके चरा सकते हैं, medicinal plants collect कर सकते हैं and कुछ लकड़ियां firewood के लिए ले सकते हैं, ठीक है। Some of the threatened wild animals like black buck, white eyed buck, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसॉरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अवर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। इंडियन सैंक्चुअरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन द डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। देखो बहुत ही बड़ा पीला डब्बा था, करेक्ट, समझते हैं धीरे धीरे। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स, अब जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है जो खतरे की कगार पे है, ठीक है, जैसे ब्लैक बक हो गया, ठीक है, गोल्डन कैट हो गया, पिंक हेडेड डक हो गया, घड़ियाल हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में रखा जाता है। इंडियन सैंक्चुअरी बहुत ही यूनिक है बच्चों, क्यों यूनिक है, क्योंकि इनके पास ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, ठीक है, चौड़े विशाल का फॉरेस्ट, उसके बाद माउंटेन एरियाज और बुशलैंड्स है इन द डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, बड़े बड़े समुद्र के डेल्टा के पास में ही है। It is pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. अब ध्यान से समझना बच्चों, फिर भी ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है। क्या समाचार है, दुखद स्थिति है। क्या दुखद स्थिति है कि even protected forest भी safe नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि जो आस पास के पड़ोसी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर जबरदस्ती घुस के, छुपके घुस के क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। So children are reminded of their visit to the zoo. अब बच्चों को याद दिलाया गया कि आप लोग तो zoo भी गए थे देखने, ठीक है। They recall that zoos are also places where animals receive protection. तो उनको भी याद आया कि देखो वहां पे भी तो उनको protection मिल रहा है, तो क्या difference है एक zoo में और एक wildlife sanctuary में। तो ये हम properly detail में देखेंगे बच्चों question answer series में, अभी जस्ट बता देते हैं, देखो ध्यान से समझो। Zoo क्या है, एक artificial place है, एक छोटे से पिंजड़े का घर है जहां पे आपको रखा जा रहा है, सेफली रखा जा रहा, बट पिंजड़े का घर है ना, घर तो पिंजड़े का ही है, केज ही है, आप तो ऐसा नहीं है ना कि मूव कर सकते फ्रीली। भैया आज तो हम बाहर निकलेंगे जाए के आएंगे, क्या शेर वाले भैया जो जू के अंदर है बोल सकते क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स जो है फ्री है, कहीं भी जा सकते,
कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब जू में क्या अलग अलग जगह से एनिमल्स को लाके रखा जाता है ताकि वो लोग आए देखे और उसका मजा ले, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल एरिया के जो एनिमल्स है वही रहते हैं, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। सो विजिट अ नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, जाके देखो वहां पे क्या कंडीशंस है एनिमल्स की, वेयर दे सुटेबल फॉर एनिमल्स, नहीं, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, देखो रह सकते हैं बट इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर देम। देखो अगर आपको जबरदस्ती रहने को कहा जाए तो आप तो छोटे से घर में भी रह सकते हो बट कंफर्टेबल होगे नहीं होगे। नेशनल पार्क का बात है, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन व्हिच इट वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। अब रोड के उस तरफ, सड़क के उस तरफ किनारे हम देखते क्या, एक बोर्ड है, ठीक है, जहां पे क्या लिखा होगा बच्चों, सतपुरा नेशनल पार्क। अब हम आ गए, सारे बच्चे कहां पे आ गए, नेशनल पार्क के पास आ गए। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, अब वो बहुत उत्सुक है वहां अंदर जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये इतने लार्ज और विशाल का है, ये पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे प्रिजर्व द फ्लोरा फाउना, वहां का लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो ये जो नेशनल पार्क्स है ये वहां के जस्ट फ्लोरा एंड फाउना को नहीं प्रिजर्व करे, वहां की जो लैंडस्केप है, जो प्लेस है, वहां के अगर कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है वो सारे को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब हमारा जो फाइनेस्ट टीक वुड है ना वहां मिलता है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, और हमारे भारत में कितने टोटल नेशनल पार्क है, मोर देन 100। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड दि सतपुरा नेशनल पार्क। अब पत्थर के बड़े बड़े शेल्टर्स है, रॉक शेल्टर्स, ठीक है, जो वहां पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, ये पुराने आदिम काल के, बहुत पुराने जमाने के जो हमारे ह्यूमन भैया लोग थे उनके बारे में बताता है। कैसे बताता है कि दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, पुराने जमाने के लोगों के बारे में, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, तो पुरानी पेंटिंग से जहां पे लोग क्या कर रहे हैं। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हमारे, वी हैव अभी तक हमें टोटल 55 रॉक शेल्टर्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं पंचमढ़ी में। यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स, मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया। तो यहाँ के रॉक कल्चर से हमें वहां के पुराने जमाने के पेंटिंग्स मिलते हैं जिसमें दिखाया गया कि लोग एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं, उनके साथ बजा रहे हैं, गा रहे हैं और बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. अब बच्चों ने देखा जैसे आगे बढ़े कि सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। तो माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। तो माधव जी ने बताया कि बच्चों देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जब टाइगर्स की संख्या जो है कम हो गई थी। तो ऑब्जेक्टिव मतलब मेन एम काम क्या था, पर्पस क्या था इस प्रोजेक्ट का, वाज टू इंश्योर दैट द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि टाइगर बचे रहे, सलामत रहे, आगे बढ़ सके, उनकी पॉपुलेशन घटे नहीं बढ़े, ठीक है, ये टारगेट था। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, एक बार जाके देखना जरूरी बनता है, क्या बोलते हो पब्लिक, चलते हैं एक बार, ठीक है, चलो। टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. तो ज्यादातर फॉरेस्ट से क्या हो रहा है, ये स्पीसीज जो है धीरे धीरे डिसअपियर कर जा रही है, गायब हो जा रही है बच्चों। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव बीन सीन हियर, ठीक है। अब ये जो सतपुरा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि टाइगर्स के नंबर में इंक्रीज आया बच्चों, घटा नहीं है। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes, and barasingha were also found in the Satpura National Park. तो पहले क्या होता, एक समय था जहाँ पे बारासिंगा ये सारे पाए जाते थे। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. अब देखो जब animals की, जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा कम हो जाए कि वो विलुप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए पूरे अर्थ से, तो उनको क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है।
बूजो इज रिमाइंडेड दैट द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम. तो बूजो इज रिमाइंडेड, उसको याद दिलाया गया कि भाई हमारे डायनासोर, बड़े बड़े वाले डायनासोर वाले भैया क्या हुए, वो भी एंडेंज खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब नहीं पाए जाते. ठीक है. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट. अब जब उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके घर पे हम दिक्कत करेंगे तो क्या होगा, उनका सर्वाइवल भी दिक्कत में हो जाएगा. प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज इन ऑल नेशनल पार्क्स. अब एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए क्या करना है, स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्पोज किया गया. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड. अब ये सारी एक्टिविटीज जो पहले हमने अलाउ कर दी थी, सबको बंद, क्लोज. माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स. अब बच्चों को लगा सिर्फ बड़े वाले जानवर ही क्या हो रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे, या छोटे वाले भी हो रहे, छोटे वाले भी हो रहे, और छोटे वाले क्या, वो ज्यादा हो रहे. क्यों हो रहे, थोड़ा ध्यान से देखते. एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड ऑल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम. उनके इंपॉर्टेंस को बिना जाने हम क्या कर रहे हैं, उनको किल कर दे रहे. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ. दे माइट बी अ स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अब देखो वो छोटे जरूर है, बट भैया उनका इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते. दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू हैव लर्न्ड इन क्लास 7. तो क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था कि वो फूड चेन का पार्ट है. ठीक है, दो दे आर स्मॉल बट वो फूड चेन का पार्ट, अगर वो हट जाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा फूड चेन इम्बेलेंस हो जाएगा. एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया अलॉन्ग विद. एक इकोसिस्टम क्या है, इज मेड अप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड वहां के जो छोटे छोटे जीव जंतु है इन एन एरिया अलॉन्ग विद, और इसके साथ साथ क्या, नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है. ठीक है, कॉम्पोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा, ये पूरे का सारे का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इकोसिस्टम. क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रेड डेटा बुक. अब देखो जैसे हमें पता चला कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, तो क्या हम इनको लिख के रखते हैं, या हम सारे को एक प्रोफेसर याद करके रख लिए, क्या ऐसे होता है, नहीं, हम इनका एक लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, तो एक रेड डेटा बुक आती है, चलो पढ़ते हैं रेड डेटा बुक क्या. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन. ही टेल्स देम दैट द रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. देखो रेड खतरे का प्रतीक है. ठीक है, रेड से हमें क्या पता चलता कि आगे डेंजर है भैया. डेटा मतलब कलेक्शन है, क्या क्या चीजें हो रही है. ठीक है, रिकॉर्ड से पूरा, और बुक तो आप जानती हो. तो रेड डेटा बुक में हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स के बारे में हम लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में एंड प्लांट्स के बारे में, जो ऑलमोस्ट अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. इट इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. इंटरनेशनली भी हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, और हर कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया भी इसका रिकॉर्ड रखती है. नेक्स्ट है माइग्रेशन. द एक्सकर्शन पार्टी, अब जो पार्टी बाहर निकली थी, दैट एंटर्स डीपर इन टू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. ओके, अब वो लोग बहुत घने जंगल के डीप पार्ट में आ गए. ठीक है, दे सिट नियर द टावर रिजर्व. ओके, दे सिट नियर द टावर रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. अब थोड़ा सा वो आराम करते हैं. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. अब उस रिवर के आसपास पहली को क्या दिखता है, बर्ड्स दिखते हैं. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स. अब माधव जी क्या बताते हैं कि ये ऐसे वैसे बर्ड नहीं है, माइग्रेटरी बर्ड्स है. अब बच्चे बोलेंगे भैया ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं. माइग्रेट करना मतलब होता है बच्चों एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह किसी चीज की तलाश में जाना. ठीक है, तो दीज बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरीवेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. अब देखो क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण जहां पे ये रह रहे वहां से ये क्या करते, उड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं. तो इनको हम लोग प्रवासी भी कहते हैं. ठीक है, तो ध्यान से समझना, माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहते हैं बच्चों, जो अपनी जगह से माइग्रेट करके, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन या
और सारे कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। अब ये क्या क्यों जाते हैं? ताकि ये एग्स को लेकर सके, क्योंकि इनका जो वेदर कंडीशन है जहां वो रहते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्न इन क्लास 8, ठीक है, क्लास 7। तो यहाँ पे क्या हम समझते हैं कि बर्ड्स जो लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करके दूसरे जगह जाते हैं उनको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे बच्चों, कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स है। बेसिकली तीन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी भी आप लोग देखोगे, ठीक है। पहला हो गया हम लोग साइबेरियन क्रेन पढ़ेंगे, ग्रेटर फ्लैमिंगो को देखेंगे और ग्रेट व्हाइट पेलिकन को भी देखेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा माइग्रेटरी बर्ड्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास साइबेरियन क्रेन है, और देख लेते हैं ये हमारे पास पेलिकन है, ठीक है। ये भी हमारे पेलिकन वाले भैया है, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ग्रेट फ्लैमिंगो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब प्रोफेसर अहमद ही ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, बच्चों का ध्यान जो है एक और इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन की तरफ ले जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कॉज क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें कितने पेड़ को काटना पड़ रहा है, 17, वो भी फुल्ली ग्रोन, पूरा बने हुए, पूरे मतलब एक प्रॉपर ट्री, ठीक है, छोटा नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर ट्री को फुल्ली ग्रोन होने के बाद 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज हमें चाहिए, उनको जब हम कट करेंगे तब 1 टन पेपर मिलेगा। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, तो हमें क्या करना है, पेपर को सेव करना है। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। वो बताते हैं कि पेपर को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं कितनी बार, 5 से 7 बार। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर हर एक बच्चा एक एक पेज को भी बचाए ना, तो हम लोग कितने सारे ट्रीज को बचा सकते हैं। We should save, reuse, use paper and recycle it. हम लोग को पेपर्स को रियूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। By this we not only save trees but also save the energy and water needed for manufacturing paper. अगर हम पेपर का रियूज करें, रिसाइकिल करें, तो क्या होगा, हम ना ही सिर्फ पेड़ को बचा पाएंगे बट जो एनर्जी हमें लग रही है, ठीक है, उन ट्रीज को कट करने के बाद उनको पेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री में, उसे भी हम बचा सकते हैं। मोरेवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन द पेपर मिल विल ऑल्सो बी रिड्यूस। और जो हार्मफुल केमिकल्स की मात्रा हम यूज करें, क्वांटिटी यूज करें, वो भी घट जाएगी। तो अब बच्चे पूछते, इतना ज्यादा सोचने के बाद क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? हाँ जरूर है, तो चलिए देखते हैं इसके परमानेंट सोल्यूशन पे, ठीक है। पहले इसको देख लेते बच्चों, ठीक है। ये हमारा साइबेरियन क्रेन है, ये हमारे ग्रेट व्हाइट पेलिकन वाले माइग्रेटरी बर्ड्स है, और ये ग्रेटर फ्लैमिंगो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। देखो गलती का सही सोल्यूशन क्या है, उस गलती को उल्टा करना। पेड़ काट रहे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लगा नहीं लगो पेड़, ठीक है। सो रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन कुछ नहीं, जस्ट जितने ट्रीज काट के आपने जंगल को खत्म किया, उतने ट्रीज लगा के जंगल को बना डालो, ठीक है। कहते ना, पेड़ को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वे फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जिस तरह के ट्रीज उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उन्हीं को लगाते हैं, ताकि क्योंकि वो बेटर है उस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के, उस तरह के सॉइल के लिए। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी एज ट्रीज एज वी कट। तो जितना बुरा काम उतना अच्छा काम, जितना ट्रीज कट किए उतना लगाना होगा ना भैया। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, अब ये अपने आप भी हो सकता, बट क्या दिक्कत, इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, ठीक है। अब एक डिफॉरेस्टेड एरिया जब फॉरेस्ट को क्लियर कर चुके हैं, उसको अगर हम लोग बहुत दिन के लिए छोड़ देते तो वो भी वापस से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन नेचुरल रिसोर्स रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड अ ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट।
अब बता रहे कि नेचुरल जो प्रोसेस है रिफॉरेस्टेशन का, क्या बोलते हैं, जंगल के बनने का, उसमें ह्यूमंस का कोई भी काम नहीं भी है। हम लोग ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं, अब बस आराम करना है, ठीक है, डैमेज नहीं करना और ज्यादा। इफ यू हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें ये ग्रीन वेल्थ चाहिए, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। आने वाली जनरेशन को एक अच्छा स्लोगन बनाते हैं बच्चों, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, आने वाली जनरेशन को ये गिफ्ट देके जाओ, ठीक है। चलो तो फिर बन गया थोड़ा बहुत। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, बुरा लगा तो भी कमेंट कर देना। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है बच्चों। दिस एक्ट इज एम्ड एज प्रिजर्वेशन एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट एरिया। तो अब क्या बता रहे कि ये जो नेशनल कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, एम करता है टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड नियर द फॉरेस्ट। कि वहां के जो फॉरेस्ट के आसपास, जंगल के आसपास के जो लोग हैं, उनका भी बेसिक नीड्स पूरा हो जाए और फॉरेस्ट को भी दिक्कत ना हो। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्स द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। शाम ढलने के बाद माधव जी बोल रहे हैं कि अब जंगल में रहना ज्यादा अच्छी बात नहीं है बच्चों, तो हम क्या करें, वापस जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करें। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अब बच्चे और हमारे अहमद प्रोफेसर माधव जी को थैंक यू बोल के इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए वो लोग वापस अपने जंगल से अपने स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। तो आज को इस वीडियो में आपको ये चैप्टर की कहानी कैसी लगी बच्चों, इसको और मजेदार बनाने के लिए हमें और क्या करना होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। हम इसको एक कहानी के माध्यम से भी आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है, जहां पे हम एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के अंदर सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो थी। आगे आने वाले वीडियोस में जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, उसमें पूरे एनिमेशन के फॉर्म में और स्टोरी के फॉर्म में हम आपको पूरे के पूरी चैप्टर को कंप्लीट करके दिखाएंगे बच्चों, विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स को हमें याद करना है, किन को लिखना है और कैसे नोट्स बनाना। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।